हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को ऐसा AI टूल बताऊंगा जिसके माध्यम से आप लोग कोई भी वीडियो बनाइए ओके, और उसका अगर आप लोगों को बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो बहुत आसानी से कर सकते हैं उस AI के मदद से। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए बात करें इस AI का नाम क्या है। तो इसका नाम आपका है runway.ai.com ओके। इस पे जाके आप लोग कोई भी वीडियो क्यों ना हो उसका आप लोग बहुत आसानी से बस एक क्लिक में आप लोग उसका पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं ओके। तो चलिए आज का वीडियो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन हम लोग का पहले से ही ऑन है। अब यहाँ पे हम लोग और ऑन क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एज ओके। इसमें सबसे पहले आप लोग को क्या ओपन करना है, गूगल ओके। मैंने गूगल टाइप कर दिया और ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या सर्च करना है, तो रनवे आप लोगों को सर्च करना है। इसका स्पेलिंग है RUNWAY ओके। अब यहाँ पे आप लोग इंटर डाल दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपका रनवे का ये लोगो कुछ इस तरीके का होता है। आपका आर लिखा होगा ब्लू कलर का ओके, और ठीक नीचे यहाँ पे ब्लू कलर का लिखा है रनवे एडवांसिंग क्रिएटिविटी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओके। यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा ओके। अब चलिए अब यहाँ पे आपका पहला जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से खुलेगा ओके। अब यहाँ पे जब आप सबसे पहली बार आएंगे तो यहाँ पे आप लोग एक साइन अप कर लेना होगा, या तो आप लोग गूगल अकाउंट से कर सकते हैं, और दो ऑप्शन और भी हैं इसमें ओके, जिसकी मदद से आप लोग यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं ओके। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है ट्राई रनवे फॉर फ्री ओके। यहाँ पे आप लोग ओपन कर लीजिएगा। अब चलिए अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ समय लेगा ओके, कुछ सेकंड का समय लेगा और ये ओपन हो जाएगा। अब देखिए ये कुछ इस तरीके से ओपन हो गया। इसका अगर आप लोग इसका इंटरफेस देखें तो यहाँ पे बहुत कुछ आपको मिल जाता है करने का। यहाँ पे आप लोग कुछ लिखेंगे तो उसका आप लोग 3D बना सकते हैं ओके। मैंने इसको भी ट्राई किया था ठीक है, उसको मैं अगले वाले वीडियो में कवर करूंगा। आज के वीडियो में बस हम लोग बात करेंगे कि एक वीडियो से हम लोग बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर सकते हैं ओके। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे आप लोगों को फ्री प्लान 3 मिल जाते हैं। आप लोग 3 प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। मैंने पहला प्रोजेक्ट ट्राई किया था दिन में 4 घंटे पहले ओके। अब मेरे पास 2 और प्रोजेक्ट्स है जो कि मैं फ्री में कर सकता हूँ। और उसके बाद अगर करना हो तो क्या करना होगा भाई, हम लोग देसी आदमी है, लोग जुगालू आदमी है लोग ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, दूसरे जीमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा, आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा फिर 3 प्लान ओके। तो चलिए अब हम लोग दूसरा अपना बनाना करते हैं, दूसरा प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है वीडियो एडिटर प्रोजेक्ट्स ओके। यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक कर लेना ओके। यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट पहले ही बनाया जो कि 4 घंटे पहले मैंने बनाया था ओके। यहाँ पे मैंने ट्राई किया था काम कर रहा है कि नहीं। हाँ भाई, इसका जो बैकग्राउंड रिमूव करने का तरीका बहुत ही अच्छा है ओके। मैंने देखा है इसके बैकग्राउंड जब रिमूव करता है तो कोई भी चीज़ पीछे नहीं बचता है ओके, केवल ब्लैक स्क्रीन या फिर ग्रीन स्क्रीन ही बच जाता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या क्लिक करना होगा, सबसे पहले नए प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है ओके। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं, वीडियो कंपोजिशन ओके, ये 3 तरीके से हो सकता है, या तो ग्रीन स्क्रीन, या तो इम्पैंटिंग ठीक है, या फिर मोशन ट्रैकिंग ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले आ जाना है वीडियो कंपोजिशन पे ठीक है। आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों का ओपन होना शुरू हो जाएगा। अब ये आपका ओपन हो गया। अब देखिए अब आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोगों का PC या फिर लैपटॉप में जो आप लोगों का फाइल है या और उस फाइल में जो वीडियो है उसको, जो वीडियो आपको क्या करना है, रिमूव करना है बैकग्राउंड उसका। यहाँ पे आप लोगों को अपलोड का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे अगर क्लिक करें तो आप लोगों का खुल जाएगा फोल्डर ओके। अब यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया जो कि वॉइस का, यहाँ पे आप लोग ओपन करेंगे तो ये कुछ समय लेता है ठीक है अपलोडिंग होने में। अब देखिए यहाँ पे जब ये अपलोड हो रहा होगा तो यहाँ पे लिखा होता है 0% अभी अपलोड हुआ है ओके। तो चलिए कुछ ये समय लेता है, तब तक हम लोग अपना कुछ बात करते हैं ठीक है। तो देखिए ये जो आपका AI है, एक बेस्ट AI है ओके। इसका 4 प्लान है। पहला आपका स्टैंडर्ड प्लान है जो कि लगभग $5 या $6 मंथली है ठीक है, उसका सब्सक्रिप्शन। उसके बाद एक प्रो है, और उसके बाद कुछ और प्लान भी है ठीक है। तो देखिए अब इसका हम लोग का करना क्या होगा ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी कुछ देर पहले इसको मैं वीडियो को जो है इसको अपलोड हो जाने देता हूँ ठीक है, या फिर रुके यहाँ पे चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे थंबनेल हमने बनाया था, ये देखिए हमारा पहले से ही एक वीडियो जो कि मैं चाहता था, एक मैंने ट्राई किया था, ये पहले से ही ऑटो सेव करके रखा हुआ है। तब तो हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, इसको यहाँ पे हम लोग उठा लेना है। तो यहाँ पे आप लोगों को अब ये वीडियो इस तरफ दिख जाएगा, कहाँ पे, राइट साइड में यहाँ पे कोना में आप लोगों को दिख जाएगा। फाइल नेम क्या है आपका, वॉइस फाइनल रिविजन और MP4 ठीक है। आपका ड्यूरेशन कितना है, 12 मिनट 21 सेकंड का। डेट अपलोड कितना है, 5 जून 2024 यानी कि आज का ही है ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या क्लिक करना होगा, एड टू टाइमलाइन पे आपको आ जाना है। तो देखिए
आप लोग जो वीडियो यहाँ पे आपको शो होने लगेगा और यहाँ पे आपको ये टाइम लाइन है ओके, यहाँ पे ये दिखने लगेगा। अब देखिए इसको आप लोग चाहे तो इसको ऐसे ऐसे करके आगे पीछे कर सकते हैं। ये आप लोगों को धीरे 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 जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो ये कुछ समय यहाँ पे लेगा, कुछ एक या दो मिनट लेगा, क्योंकि जितना बड़ा वीडियो होगा उतना ज़्यादा ये समय लेगा, ठीक है। पहले मतलब लेकिन जो आप लोगों को पहले क्या ट्रिम वगैरह करके लोग कितना लोग करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है ओके, बैकग्राउंड हटाने के लिए। लेकिन इसमें बहुत आसानी से हो जाएगा, बस आप लोगों को एक क्लिक कर लेना होगा, उसके बाद कुछ समय लेगा और यह पूरा पूरा बैकग्राउंड क्या करेगा रिमूव कर देगा ओके। तो चलिए अब हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा पहले करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जब तक आएगा तब तक हम लोग कुछ फिर से बात किया जाए, ठीक है। ये कुछ समय लेगा यहाँ पे, अभी सब ये क्या कर रहा है प्रोसेस कर रहा है ओके। अब ये जो आपका AI टूल है ये आप लोगों को लैपटॉप या इसमें किसमें चलाना होगा, PC में ही चलाना होगा ओके। और देखिए ऐसे ऐसे जो आपके ये जैसे ये मैंने आज आप लोगों को बता दिया runway.com, ऐसे ही मैं आपको कल भी कुछ नया बताऊंगा, कल भी मैं कुछ ऐसा AI टूल आपको बताऊंगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं आपको एक ऐसा AI टूल बताऊँ जिससे आप लोगों का जो इमेज होता है उसका जो बैकग्राउंड होता है उसको एक क्लिक में आप लोग क्या कर पाए दूर कर पाए ओके, बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो इसको मैं कल बताऊंगा। अब देखिए हम लोगों के स्क्रीन पे ये वीडियो आ चुका है, अब इसका हम लोगों को क्या करना है बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो चलिए कोशिश क्या करना है मतलब मालूम है कैसे करना है, मैंने प्रैक्टिस किया एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ये टाइमलाइन पे आ गए, यहाँ से आप लोग इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं। ये देखिए ये आपका वीडियो प्ले हो रहा है, ठीक है। सॉरी ये आप लोगों का वीडियो प्ले हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अब चाहे तो आप लोगों को ये देखिए ये आपका एक आगे पीछे करने के जो ये रेड वाला है इसको यहाँ से करेंगे तो ये आपका आगे पीछे होता है वीडियो, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है वीडियो प्ले होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए ये आपका कुछ वीडियो ऐसे चल रहा है, अब इसका हमें क्या करना है बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो इसके लिए आप लोगों को कहाँ जाना होगा, आप लोगों को लीजिए चलिए ऑप्शन हम लोग खोजा जाए, ठीक है। अब इधर ही आपको क्या मिलता है ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। आप लोग ग्रीन स्क्रीन ओपन कर लेना है, तो ये कुछ इस तरीके से प्रोसेस हो रहा होगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको जो क्लिक ऑन एन एरिया टू स्टार्ट मास्किंग, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा पहले क्लिक करना होगा एक अपने माउस से, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को अपने वीडियो पे आकर वहाँ पे साइड बाय साइड आप जब क्लिक करेंगे तो जो आप लोगों का फेस होगा या फिर जो आपका पूरा बॉडी होगा उसको वो क्या करेगा ग्रीन स्क्रीन में पहले पूरा ग्रीन कर देगा ओके। उसके बाद पूरा ये बैकग्राउंड हटा देगा। तो अभी आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं लोड हो रहा है ओके, लोड हो गया, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये हमने ले लिया, चलिए देखते हैं। आइए अभी चलिए देखते हैं लोडिंग हो रहा है, थोड़ा समय लगता है, ठीक है। AI है भाई, नेट ठीक ठाक है ओके, लेकिन कुछ समय तो लेगा, ठीक है। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग आराम से ही करते हैं, कोई घबरा नहीं है, ठीक है, बहुत टाइम है अपने पास अभी, ठीक है। हाँ देखिए आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और ये यहाँ से अब देखिए यहाँ से आप लोग ऐसे ऐसे माउस से आप लोगों को क्या करना होगा क्लिक कर देना होगा, ठीक है। अब ये धीरे धीरे पूरा का पूरा ये क्या करेगा बैकग्राउंड लेटा शुरू कर देगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को चारों तरफ क्या कर देना होगा क्लिक कर देना होगा, ठीक है। ये देखिए मैं ऐसे ही आप लोगों को क्या कर देना होगा क्लिक कर देना होगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को क्या करना होगा क्लिक कर देने का अपने पूरे बॉडी पे, ठीक है। ये देखिए अब ये यहाँ पे लिख रहा है क्या जनरेटिंग मार्क्स अपना कितना हुआ, अभी 26% हुआ है, ठीक है। ये धीरे धीरे पूरे आपका जो ये बॉडी है आप लोग ऐसे ही ग्रीन कलर में क्या करेगा तब्दील कर देगा यानी चेंज कर देगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। आइए देखते हैं। ऐसे ही आप लोगों को इसको कर देना होगा, ठीक है। इसको आप लोगों को क्या कर देना होगा हटा देना होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अब ये कुछ समय लेता है, ठीक है, लेने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे क्या, हम लोग तो बात करने आए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अब इसका हमें क्या करना है इसका, अब देखिए ये आपको ऐसे ही क्या करना होगा क्लिक कर देना होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ समय लेगा, एक दो मिनट लेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग वीडियो जो भेजते हैं ना भाई बैकग्राउंड रिमूव करके बहुत अच्छा क्वालिटी भेजता है, ठीक है। तो बस ये आपका एक प्रोसेस है, इसके बाद आप लोगों को ये बैकग्राउंड हटा देगा और उसके बाद आप लोगों का वीडियो तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये आप लोगों का जनरेटिंग मार्क्स अभी कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग कुछ इंतजार करते हैं क्या दिक्कत है। तो अब चलिए हम लोग कुछ अपना आगे का बात करते हैं, कल हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए कल मैं सोच रहा हूँ आपको एक ऐसा ही एक सेम AI टूल जो कि दूसरे नाम से होगा, सेम नाम तो होगा नहीं, तो ऐसा AI टूल बताऊँ जिससे आप लोग एक क्लिक में
क्या करें अपने फोटो से बैकग्राउंड को रिमूव कर पाए। ओके, वह मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है। अब फिर हम लोग बात करते हैं कि आपका क्या किया जाए, हम लोग उसके बाद हम लोग का क्या प्लान रहेगा। उसके बाद मैं एक वीडियो एडिटिंग ऐसा बताऊंगा आप लोगों को, मैं फिर से एक थंबनेल बताऊंगा, ओके, जिसमें फोटो हम लोग लगा सकते हैं। ओके, अपना खुद का एक फोटो लगा दे, उसके बाद उस पर हम लोग कुछ अपना लिखेंगे, ठीक है। यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा आने वाले समय में, ठीक है। सबसे पहले आज हम लोग इसको सीखते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को 26% हुआ है, ठीक है। ये 26% को छोड़, ठीक है। आइए एक बार और क्लिक करते हैं हम लोग, चलिए चलिए देखते हैं। आइए हम ट्राई करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर सब चारों तरफ क्या करना है, हमें इसको ग्रीन वाले को क्या करना है, क्लिक करके क्या करना है, पूरा पूरा टिप देना है, ठीक है। आइए 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 आइए, ठीक है। चलिए चलिए चलते हैं बिना बकवास से चलते, आइए आइए, ठीक है। चलिए अब देखिए, फिर से मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है। ये आपका बॉर्डर अच्छे से क्या करता है, अपने आप ही ये क्लिक कर लेता है, ठीक है। ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ओके। अगर अभी नहीं हो पाया, मतलब नेट अगर स्लो हुआ, तो इसके पहले मैंने किया उसको मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बैकग्राउंड वाला आप लोग कर सकते हैं, नेट हो सकता है स्लो हो, तो कहीं दिक्कत ना करे इसके लिए। ऐसे ही आप लोगों को क्या करना होगा, क्लिक करते चले जाना है, ठीक है। और ये आपको ले लेगा, देखिए धीरे धीरे मैं क्लिक कर लाऊँगा कि नहीं, बस आपको ऐसे ही करते रहना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आपको नीचे तक करा देना है, ठीक है। ये देखिए, अब आप इस तरफ आ जाइए, अब यहाँ पे हेयर के पास हम लोग हैं, ठीक है। ये देखिए ऐसे आप लोगों को क्या करना होगा, चलते चले जाना है, ठीक है। ये देखिए, अच्छा लग रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है भाई। समय थोड़ा लगेगा लेकिन मज़ा आएगा। आप लोग जो नॉर्मल वीडियो कट करते हैं उससे तो बहुत कम समय लेने वाला है, ठीक है। आइए आइए आइए, देखिए ऐसे ही आपको क्या करना है, वह क्लिक करते चले जाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, अब देखिए, अब ये यहाँ पे जनरेटिंग मार्क्स कर रहा है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों का हो गया। अब हम लोगों को क्या करना होगा कि यहाँ पर आइए, बीच बराबर अपने बॉडी पे ये ग्रीन मार्क्स लगा देते हैं, ठीक है। चलिए चलिए लगाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को क्या कर लेना होगा, लगा देना होगा, ठीक है। तो ये पूरा पूरा को क्या कर लेगा, ग्रीन कर देगा, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे ही होगा, थोड़ा सा ये समय ले रहा है, ठीक है, लेने दीजिए, क्या दिक्कत है। आइए क्या किया जाए, थोड़ा वीडियो का रेंट छोटा किया जाए क्या हम लोग, तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले वीडियो का रेंट ही हम लोग छोटा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो बना रहे थे, आपका प्रोजेक्ट हम लोग का हो गया, ठीक है। ये देखिए, तो इसका हमें क्या करना है, वीडियो का आपका रेंट पहले छोटा करते, आइए चलिए देखा जाए वीडियो रेंट छोटा कैसे होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, आइए देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे दिया होगा। पहली बार तो मैं भी खोल रहा हूँ भाई, झूठ क्यों बोलूँ, ठीक है। ये आपका ऑप्शन है, ये देखिए, ये आपका ऐसे है, ठीक है। आप लोगों को यहीं पे वीडियो क्या कर लेना, आपने इम्पोर्ट कर लेना, ओके। यहीं से आप लोग वीडियो क्या कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ भी जैसे मैं इसको बीच में रख देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से लाया मैंने, उठा दिया और यहाँ पर लग दिया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते स्क्रीन के साइज का, ठीक है। अब ये इसको समय लेगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लगभग 12 मिनट का है, 1 मिनट का 2 मिनट का तो है नहीं कि वीडियो बना देगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो थोड़ा समय लेगा ये। देखिए अब इसका हमें क्या करना है, बैकग्राउंड, तो यहाँ पे आपको कहाँ पे आना होगा, हमें ग्रीन स्क्रीन पे आना होगा। तो हम लोग ग्रीन स्क्रीन पे आ जाते हैं, ठीक है। ये एक AI टूल है। अब यहाँ पे फिर से ये प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, करने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये हम लोगों का आ गया। अब इसके हमको ग्रीन टैब पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से हमें क्या करना होगा, इसे उठा कर लाना होगा, ठीक है। चलिए अब वो हमें कहाँ, यहाँ पे थोड़ा समय लेगा, अभी वीडियो क्या है, प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आइए, फिर से देखते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग उठाने की कोशिश करते हैं, अच्छा, ओह सॉरी, देखिए इसको शायद यहाँ से उठा के यहाँ पर ला देना है क्या, नहीं, ऐसा नहीं, इसी को हमें एक बार शायद क्लिक कर देना है, ठीक है। आइए देखते हैं, कोई बात नहीं, हमें कोशिश करते रहना है ना, हार नहीं मानना, ओके। आपका ये हो गया, हो क्यों नहीं रहा भैया, आइए देखते हैं, चलिए हो जा, हाँ देखिए होना शुरू हो गया। अच्छा वीडियो चल रहा था ना, इसलिए नहीं हो रहा था उस टाइम, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसको आप लोग ऐसे आपको क्या करना होगा, ग्रीन पे क्या करना होगा, क्लिक कर देना होगा, ठीक है। ये ऐसे ऐसे, ठीक है,
यहाँ पे आपको मतलब कॉर्नर पे अपने फेस के कॉर्नर पे पूरा का पूरा इस तरीके से क्या करना होगा, क्लिक करते चले जाना होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा आपको ले लेगा, ठीक है। अब ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब ये यहाँ पे समय ले रहा है, ओके। तब तक मैं इसका क्या करूँ, एक दूसरा पेज खोलता हूँ, इसके पहले वाला जो मैं बनाया था, ओके। ये आपका एक प्रोसेस है, ये आपका क्या है, सेकंड लास्ट प्रोसेस है, ये सेकंड लास्ट प्रोसेस है। अब इसके बाद जब भी आप लोग इसको ग्रीन ऐसे ही आपको क्या करना होगा, क्लिक कर लेना होगा, ओके। उसके बाद बस आपको एक क्लिक कर लेना होगा, ओके। और ये पूरा का पूरा आपका बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, ओके। मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल रिजल्ट कैसा था, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गूगल ओपन करते हैं, उसको अभी आपका प्रोसेस वो हो रहा है, ओके, बैकग्राउंड में। तब तक हम दूसरा ओपन करके देखते हैं, ठीक है। रन भी हमें ओपन कर लेना है, ठीक है। ये आपका रन भी हो गया, यहाँ पे हमें आके खोल लेना होगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए, अब इसके बाद आप लोगों को ये ओपन हो गया, यहाँ पे हमें ट्राई रन फॉर फ्री कर लेना होगा, ठीक है। ये हम लोगों को देखिए, ये पहले का है, ये अभी जो हमने ऐसे आप लोगों को क्या कर लेना है, कर देना। और इसको क्या करना है आपको, जनरेटिंग अभी मार्क्स आपका कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को कर देना होगा, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक फिर से अपना एक क्या किया, एक पेज खोल दिया रनवे का, ओके। दूसरा पेज, ये हम लोगों का पहला पेज ये है, ओके। देखिए कुछ इस तरीके से आपका क्या करेगा, ये पूरा पूरा ग्रीन कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये आपका पूरा का पूरा ग्रीन कर दिया आपके पूरे फेस को, ठीक है। और यहाँ से आप लोग चाहे ये देखिए ट्रांसपेरेंसी है, ये आपका क्या करता है, बैकग्राउंड जो है इसको देखिए, ये पूरा पूरा जीरो जीरो करने लगता है, ठीक है, यहीं से। अब देखिए, अब इसी को हमें क्या करना होगा, यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, क्लिक कर लेना होगा, ये आपका पूरा पूरा बैकग्राउंड रिमूव कर लेगा, ओके। तो यहाँ पे नेट अभी क्या है, स्लो है, तो थोड़ा समय ले रहा है, ठीक है। तो मैंने 4 घंटे पहले मैंने एक ट्राई किया था, ओके। उसी को मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे काम करेगा, ये आपका सेकंड लास्ट प्रोसेस है, ठीक है। ये जो आप लोग यहाँ पे पूरा पूरा बॉडी क्या किया, ग्रीन कर लिया, ओके। अब यहाँ पे आप लोग एक क्लिक करेंगे, आप लोगों का पूरा पूरा ग्रीन स्क्रीन आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा कि जो आपका बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग फिर से डैशबोर्ड, यहाँ पे हमें वीडियो एडिटर प्रोजेक्ट में आ जाए, देर गए 5 घंटे हो गए, ठीक है। इसको हम लोग ओपन करते हैं, यही मैंने सबसे पहला बनाया था यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे ओपन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको ओपन करके, आइए ये देखिए ओपन का ऑप्शन आ गया, ओके। कुछ समय लेगा यहाँ पे भी ओपन होने में, ये आप लोग ओपन आ गया। देखिए मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड इसका पूरा पूरा रिमूव कर लिया था बहुत आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए खुल रहा है, ठीक है। तो यही मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका क्या लास्ट प्रोसेस है, ठीक है, इसी का। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ समय लेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वीडियो कॉल, ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्या है, यही तो है जो हमें बैकग्राउंड को क्या कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे, ठीक है। ये मैंने पहला प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, ओके। इसी तरीके से क्या होगा, क्या होगा, पूरा पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। आप लोग भी घर पर बैठकर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। लैपटॉप पर स्क्रीन अगर है, अब इसको आप लोग चाहें तो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ये देखें कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि बैकग्राउंड में कुछ लाया तक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा बैकग्राउंड आप लोगों का क्लियर है। अब आप लोग जो चाहे बैकग्राउंड में डाल सकते हैं, ओके। ये आपका एक फायदा है इस चीज़ का। तो चलिए आप लोग, आज उम्मीद है कि आप लोग ये सीख गया कैसे हम लोग प्रोसेस करेंगे। मैं आपको एक इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले आप लोग गूगल पे जाना है, runway.ai करना है, उसका आप लोग अकाउंट बनाना है, ठीक है। फिर आपको एक ऑप्शन आएगा, क्या ऑप्शन आएगा, तो चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसके होम पेज पे आप लोगों को होम पेज पे क्या आएगा, वीडियो एडिटर प्रोजेक्ट्स में आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ओके। वीडियो कंपोजिशन आप लोगों को क्लिक कर देना है, ओके। उसको आप लोगों को खोल देना है, यहाँ से इस तरीके से खोल लीजिएगा, ठीक है। खुल जाने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को एक ग्रीन स्क्रीन का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसको आप लोगों को क्या कर देना होगा, आप लोगों को वहाँ पे क्लिक कर देना, पहले तो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड आके अपना एक फाइल अपलोड कर लेना होगा, ठीक है। और जो आप लोग फाइल अपलोड करेंगे वो यहाँ पे ऑटो से भी ये कर लेते हैं पहले ही, ठीक है। उसके बाद इसको आप लोग यहाँ पे करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को राइट साइड में आपका ऐड टू टाइमलाइन में आने का ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग क्या ऑप्शन दिया है, आप लोगों को यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन, इम्पैक्टिंग मोशन टेक, ये सब के सब ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली ग्रीन स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे राइट साइड में आपको लिखा है क्लिक ऑन एरिया टू स्टार्ट मास्किंग, यहीं पे आप लोग क्लिक कर देना है। और उसके बाद अपने फेस पे आके यहाँ पे एक एक क्लिक करके ग्रीन ग्रीन करके साइड साइड में अपने पूरे फेस पे लगा देना, ओके। उसके बाद जो आपका बॉडी है वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ग्रीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ओके, एक एक करके आपको ये क्या कर लेना है, क्लिक करके लगा लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 10-15-50 सेकंड लगभग लगेगा, ओके, आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। और उसके बाद आप लोगों का ये पूरा पूरा जो बॉडी है उसको ग्रीन कर लेगा, और बैकग्राउंड आप लोग क्या करेगा, रिमूव करेगा क्लिक में, ओके।
ये यहाँ पर नेट स्लो है ना, तो मैं आपको ये करके भी दिखा रहा हूँ। ओके, मैंने आप लोगों को दो दो पेज के माध्यम से समझा दिया कैसे होगा, ठीक है। अब मैं कल मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आप जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, उसके लिए सीरियस कितने हैं, प्रैक्टिस कितना करते हैं, क्योंकि एक लाइन